ये दिन है, ये बड़ा ऐतिहासिक दिन है। हम ये मानकर चल रहे थे कि ये गंगा के किनारे का गांव है, हो सकता है वो गर्मी, वो जोश, वो उल्लास शायद कम देखने को मिले, मगर मैं इतने कार्यक्रमों में गया हूँ, इतनी जगह मुझे जाने का मौका मिलता है। आज आपने इस गांव में युवाओं में जो मैंने जोश और उत्साह देखा, वो उत्साह अपने आप में देखने लायक था। शायद बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की विचारधारा और उसकी जो नॉलेज है, जो हमने सीखा है, या बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि हमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और समग्र चेतना की तरफ जाना है, तो धीरे धीरे ये व्यवस्था परिवर्तन का जो संकेत मैंने इस गांव में देखा, सबसे ज़्यादा किसी व्यवस्था के प्रतीक होता है झंडा। अगर पहले राजे महाराजे जब कोई किला फतेह करते थे तो वो झंडा फहराते थे, झंडा ऊंचा रहे हमारा, और आज भगवान बुद्ध का झंडा और नीला झंडा बाइकों पर लेकर के जिस तरह 6 किलोमीटर ऊंचे गांव से लेके गदरौला तक ये हमारे युवा साथी चले हैं, निश्चित रूप से आपने एक सराहनीय और अच्छा काम किया है। आप निश्चित रूप से भगवान बुद्ध और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के सच्चे अनुयायी हैं। मैं इस गांव की युवा पीढ़ी को नमन करता हूं और आप युवाओं को नमन करता हूं कि आप में वो साहस, आप में वो हिम्मत, आप में वो जोश और जज्बा देखने को मिला, और सबसे अच्छा काम आपने वो किया है जो बाबा साहब की विचारधारा अब तक पीछे जा रही थी कि गांव-गांव पुस्तकालय होंगे, जितने ज़्यादा होंगे पुस्तकालय हमारे उतने ही ज़्यादा IAS बनेंगे और उतने ज़्यादा IPS बनेंगे। इस काम को करने का जो बीड़ा हमारे बड़े साथी और जो सीनियर हैं, इस कार्यक्रम के जो मुख्य अतिथि हैं श्री KP चौधरी साहब ने जो उठाया हुआ है, ऐसा ही गदरौला अपने गांव में जो बहरा फरोजपुर गांव है उसमें भी पुस्तकालय खोलने का काम किया गया, वहाँ भी उद्घाटन हुआ, और आज इस गदरौला गाँव में भी पुस्तकालय खोलने का काम किया गया। बाबा साहब ने कहा था कि अगर कोई व्यक्ति खत्म होता है तो उसके मरने पर उसकी मूर्ति मत लगाना, उसकी याद में पुस्तकालय बनाना। हम शायद इस बात से पिछड़े हुए थे कि हम शायद पुस्तकालयों को भूल रहे थे। अब डॉक्टर अम्बेडकर के पार्क जो है, हर पार्क पुस्तकालय में कन्वर्ट हो रहा है। जैसे जैसे आप पुस्तकालय बनाते जाएंगे, आपकी गरीबी, आपकी लाचारी, आपकी सामाजिक असमानता अपने आप खत्म हो जाएगी, क्योंकि मित्रों किताबों के बिना दुनिया नहीं बदल सकती। किसी भी ज्ञान को पढ़ना है, चाहे धर्म को पढ़ना है, चाहे बुद्ध को पढ़ना है, चाहे गौतम को पढ़ना है, चाहे आप अम्बेडकर साहब को पढ़ना है, या अन्य किसी महापुरुष को पढ़ना है, या IAS और PCS बनने के लिए पढ़ना है, तो आपको पढ़नी तो किताबें ही होंगी। इसलिए इस गांव में जैसे यज्ञ करने के लिए, यज्ञ करने के लिए लोग 10-10 रुपए का, 20-20 रुपए का चंदा करते हैं, मैं प्रधान जी से निवेदन करूंगा कि पूरे गांव से भले ही 20-20 रुपए का चंदा हो हर महीने, मगर इस पुस्तकालय के लिए हर महीने किताबें आनी चाहिए। इस गांव में अखबार आने चाहिए, अगर कि अखबार आएंगे, किताबें आएंगी, हमारे लड़के लड़कियाँ किताब पढ़ेंगे। मैं आपके सामने खड़ा हूँ तो किताबें पढ़ने के लिए खड़ा हूँ। मेरा गांव मुरसाना है, मैं दूर का नहीं हूँ, आपके पड़ोस में ही शिवाली से आगे मुरसाना गांव है। मैं पढ़ा लिखा, हमने मेहनत की, किताबें पढ़ी और बाबा साहब के बताए हुए रास्ते को हमने चुना। मैं किसी मंदिर में नहीं गया, मैं किसी मस्जिद में नहीं गया, मैंने किसी देवी देवता से दुआ नहीं मांगी, मैंने एकमात्र रास्ता सुना, पढ़ाई का रास्ता चुना, मेहनत का रास्ता चुना, और आप जो है वही रास्ता चुनिए। इस गांव के लोग IAS बनेंगे, PCS बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, और जिस तरह KP चौधरी जी आपके बीच में आ जाए हैं, आप भी इसी तरह इस गांव में आएंगे तो इस गांव का नाम रोशन होगा और लोग आपका सम्मान करेंगे, आपका भी ढोल तासे बाजे के साथ स्वागत होगा। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, अपने घर की जो लड़कियाँ हैं उनको जरूर पढ़ाइए, शिक्षा जरूर दिलाइए, और एक बात और मैं कहना चाह रहा हूँ नई पीढ़ी के लिए कि मोबाइल के युग में आप मोबाइल के चक्कर में बहुत ज़्यादा ना फंसें, बैठ के रात को पढ़ाई जरूर करें, अपने घर में जरूर टिकें, सिटिंग जितनी ज़्यादा होगी, अगर कोई IAS PCS बनना चाहता है तो उस बात पर तय होगा कि वो कितने टाइम तक बैठ कर पढ़ाई करता है, रात को कितने टाइम बैठता है घर में। आप दरियागंज जरूर जाएं, मैं इस गांव के बच्चों को बताना चाहता हूं, इतवार के दिन दरियागंज में सस्ती किताबें मिलती हैं, 2000 रुपए की किताब 200 रुपए में मिल जाएगी,
आप वहाँ जाइए, आपको कंपटीशन की किताब मिलेंगी, आपको पढ़ने की किताब मिलेंगी, आपको सब्जेक्ट की किताब मिलेंगी, आपको सस्ती किताब मिलेंगी। यहाँ से दरियागंज दिल्ली दूर नहीं है, सुबह को आप चलेंगे, शाम को दरियागंज से 1,000 रुपए में 10,000 रुपए किताब लेके आएंगे। आप इस पुस्तकालय के लिए भी दरियागंज जाएं, वहां से सस्ती किताबें लें, खरीदें, अपने पुस्तकालय में इकट्ठा करें, 4 या 5 अखबार इस पुस्तकालय में लगवाएं, सभी लोग बैठ के पढ़ें। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि मुखर्जी नगर जरूर जाएं, मुखर्जी नगर जहां पे ISPCS की तैयारी होती है, आप लोग वहां जरूर जाइए, वहां 40% सस्ती किताब मिलती है। जो लोग पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, जो लोग कंपनी तैयारी कर रहे हैं, जो लोग और नौकरी तैयारी कर रहे हैं, वहां से आपको बने बनाए नोट्स मिलेंगे। जितना पैसा कोचिंग में बर्बाद कर रहे हैं आप, उससे ज्यादा पैसा, उससे कम पैसा खर्च करके आप इंस्पेक्टर, दरोगा, डॉक्टर, ग्रामाधिकारी, सेक्रेटरी सब कुछ बन सकते हैं। अगर किसी को कोई दिक्कत है, मेरा नंबर 94 11 40 94 84 लिख लीजिए। अगर किसी को दिक्कत आती है, किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम आती है, तो मुझसे पूछ सकता है। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ अपना नंबर, डॉक्टर OP सिंह, मोबाइल नंबर 94 11 40 94 84। मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ, हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। एक बात और मैं कहना चाह रहा हूँ कि माननीय बहन जी ने 2010 में हापुड़ के पास निजामपुर में एक ISPCS कोचिंग सेंटर बनवाया हुआ है, जहाँ पर 5 महीने खाना फ्री, पढ़ना फ्री, रहना फ्री। वहाँ पर आप जाइए, आपको खाने 100 सीट 120 सीट लड़कों की हैं, 80 सीट लड़कियों की हैं, आपको वहाँ खाना, पढ़ना, रहना, सोना सब कुछ फ्री है। 2 बार खाना, 2 बार नाश्ता, सारे सब्जेक्ट की पढ़ाई। उसका जो अगला बैच है वो जनवरी के महीने में निकलेगा। जो लोग स्नातक हैं, ग्रेजुएट हैं, वो लोग फार्म जरूर भरें। अभी भी कुछ बच्चे यहाँ के पढ़ रहे हैं, मैं भी वहाँ पर पढ़ाने जाता हूँ, इंडियन इकोनॉमी पढ़ाता हूँ ISPCS के बच्चों के लिए। तो आप इन बातों को ध्यान रखिए, सुनिए। और आज का जो ये पुस्तकालय उद्घाटन है, मैं आपसे बस यही कहना चाहूँगा कि आपको के पढ़ने का जो रास्ता है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जो रास्ता है, वो शिक्षा का रास्ता, ज्ञान का रास्ता। इसीलिए उनकी पहली लाइन में शब्द है शिक्षित बनो। शिक्षित बनने का मतलब है किताब भी पढ़नी है, दुनिया भी पढ़नी है। और 21वीं सदी का भारत, दुनिया बदल रही है, ध्यान रखिए दोस्तों, पूरी दुनिया ग्लोबल दुनिया है। आज आप यहाँ बैठे, मैं स्पीच दे रहा हूँ और आपका चैनल इसे लाइव टेलीकास्ट दिखा रहा है, सारा कार्यक्रम लाइव चल रहा है। आप दुनिया को समझिए, पूरी दुनिया को समझने की बुद्धि पैदा करिए, जिस प्रकार बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने आज से 100 साल पहले पढ़ाई के दम पर आपके भविष्य का फैसला तय किया था। आप हजारों लाखों अम्बेडकर बनिए, लाखों अम्बेडकर बनिए। इस देश को बदलना है, इस सिस्टम को बदलना है, और व्यवस्था में अपनी हिस्सेदारी पैदा करनी है। जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी, काशीराम साहब ने कहा था। व्यवस्था बदल चुकी है, समय आ गया है, आपको अपने पैरों पे खड़ा होगा। और जो लोग नहीं पढ़ रहे, बच्चे जो नहीं पढ़ते, अपना कारोबार करें, धंधा करें, काम करें, कभी घर में खाली ना बैठे। क्योंकि अगर आपको 2 हाथ दिए हैं, उन्हें काम में लगाइए, कोई ना कोई काम जरूर करिए, तभी आपकी समृद्धि होगी, तभी आपका विकास होगा। ये आपका ब्रह्मा है, ये आपका विष्णु है, ये आपका महेश है, कोई भगवान नहीं है। आपके हाथ पैर ये जो 5 हैं, ये ही आपके भगवान जी हैं। इन्हें सही दिशा में चलाएंगे सही होगा, गलत में चलाएंगे गलत होगा। मैं अंत में एक बात कहना चाहता हूँ कि तुम आसमान के तारे तोड़ दिखा सकते हो युवाओं के लिए, कि तुम आसमान के तारे तोड़ दिखा सकते हो और तुम नदियों की धारा मोड़ दिखा सकते हो, तुम अनहोनी को होनी कर जाते हो, बस इसीलिए तुम युवा कहे जाते हो। जय भीम, जय भारत।